हेलो गाइस, कैसे सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आंसर ऐसा आया था, लाइक पेन ब्लू, बुक रेड, पेंसिल पिंक। ओके, तो यहाँ पे समझो हमारे आईडी डुप्लीकेट नहीं, आईडी सेपरेट है। समझो यहाँ पे हमारा कलर भी सेम रहा, नहीं तो नेम भी सेम रहा, तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब हमारा उनको कुछ एरर नहीं आएगा क्योंकि आईडी हमारी डिफरेंट है। वो तो मैं लास्ट सेशन में बोलना भूल गई थी, इसलिए अभी बोल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है, लेट मी चेक। ओके, तो एरर गया है, दैट्स गुड। ओके, तो यहाँ पे कैसे हमने लिस्ट ऑफ अरे लिया था। ओके, तो यहाँ पे लिया था इसलिए हमको यहाँ पे आईडी वगैरह सब कुछ मिल रही है। ओके, फॉर एग्जांपल समझो कि हमने लिस्ट ऑफ अरे नहीं लिया है। ओके, सिर्फ एक लिस्ट लिया है और सिर्फ एक अरे लिया है, लेकिन वहाँ पे कुछ आईडी वगैरह कुछ नहीं था। वह कैसे करने का वो आज हम देखने वाले। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जाते हैं और एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लेती हूँ मैं, कॉन्स्टेंट फ्रूट इज इक्वल टू करके। तो यहाँ पे हम डालेंगे मैंगो, देन बनाना, ओके, देन ग्रेप्स। ओके, तो मैंने एक फ्रूट का लिस्ट लिया है, अब इसको मुझे प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिर्फ फ्रूट करके लिखूंगी तो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रिंट हो रहा है। और समझो मैंने इसको मैक्सिमाइज किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, उसका इंडेक्स मिल रहा है और आईडी मिल रहा है। यही हमको आईडी अब भी यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमने आईडी यूज़ किया 1 2 3, तो हम अभी क्या करने हैं, यहाँ पे जो आईडीज़ है ना वही आईडी हमको यहाँ पे यूज़ करना है इस कोड में, इंस्टेड ऑफ दिस डाटा वी विल यूज़। ओके, वो कैसे हम देखेंगे अभी। ओके, तो ये तो हो गया, यहाँ पे हमको लिस्ट मिला है, उसका इंडेक्स मिला, लेकिन एक एक इंडेक्स का हमको वैल्यू कैसे लेना है वो हम देखेंगे। अभी उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फ्रूट डॉट इंडेक्स ऑफ लिखना है। ओके, तो इंडेक्स ऑफ का फंक्शन क्या है कि जब हम इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हैं ना, वो क्या करता है, इट विल अलाउ अस टू फाइंड इंडेक्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन अरे और इन एन लिस्ट। इट विल अलाउ मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक एलिमेंट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ यूज़ करके। कौन सा भी अरे रहने दो, कुछ भी रहने, वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ लिया और मुझे इस लिस्ट में से स्पेसिफिक इंडेक्स लेना है इसका बनाना का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं बनाना देती हूँ। ओके, सॉरी ना हुआ हो, इट्स बनाना। ओके, और यहाँ पे मुझे डबल कोट्स भी देना है तभी वो वर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका मुझे इंडेक्स देना है, लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो मुझे इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ जब मैंने यूज़ किया तो मुझे बनाना का इंडेक्स मिल रहा है। फॉर एग्जांपल समझो मुझे अभी ग्रेप्स का चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ग्रेप्स लिखूँगी और एंटर करूँगी। तो मुझे देख सकते हैं कि मुझे ग्रेप्स का भी इंडेक्स मिल गया, दैट इज़ 2। ओके, तो इंडेक्स ऑफ यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हर एक जो लिस्ट में रहता है ना एलिमेंट, उसका हम इंडेक्स और स्पेसिफिक एलिमेंट का हम इंडेक्स निकाल सकते हैं। ओके, तो यही प्रोसेस हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा लेते हैं यहीं पे कॉपी करके और मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है उसको। ओके, और नहीं तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लेती हूँ इसको और इसको हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ऊपर का सेक्शन कमेंट करेंगे। ओके, तो मुझे ये भी कमेंट करना है और ये भी कमेंट करना है, गुड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिस्ट लिया है फ्रूट का। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो क्या होगा, फ्रूट लिस्ट होगा। ओके, तो इसको मैं क्या करती हूँ, फ्रूट लिस्ट करती हूँ, प्रोडक्ट को मैं करती हूँ फ्रूट करके लेती हूँ। ओके, फ्रूट डॉट मैप, और यहाँ पे भी हमारा आएगा फ्रूट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, प्रोडक्ट डॉट आईडी यूज़ किया, लेकिन अभी हमको ये वो यूज़ नहीं करना है। ओके, हमको इंडेक्स यूज़ करना है, तो वो कैसे यूज़ करने का, तो हमने यहाँ पे जो मैप यूज़ कर किया है ना, तो मैप क्या करता है पता है, दिस व्हेनेवर वी यूज़ मैप इट विल अलाउ अस टू गेट एक्सेस अरे एलिमेंट एज वेल एज इंडेक्स। मतलब जब मैप हम यूज़ करेंगे तब हमको अरे एलिमेंट भी हम यहाँ पे ले सकते हैं और इंडेक्स भी ले सकते हैं। जो यहाँ पे मुझे इंडेक्स लेना है ना इसका, तो इंडेक्स
ओके, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स ले रही हूँ, सो दिस मैप विल अलाउ अस टू यूज एज वेल एज अरे इंडेक्स एज वेल एज इंडेक्स, सॉरी अरे एज वेल एज इंडेक्स हम ले सकते हैं, दोनों भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, इसलिए कुछ टेंशन नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको इंडेक्स लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है प्रोडक्ट करके, तो यहाँ पे मुझे क्या डालना है, यहाँ पे मुझे डालना है इंडेक्स। हम डॉट एड ही नहीं लेंगे अब, क्योंकि हमको यहाँ पे इंडेक्स मिल रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली इंडेक्स ही लेते हैं। और इसको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि तो इसको हम निकालेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लेते हैं फ्रूट। ओके, यहाँ पे फ्रूट आ गया हमारा, और यहाँ पे हम लेते हैं फ्रूट लिस्ट। डन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मैप यूज़ किया है, बाद में हमने इंडेक्स यूज़ किया है, राइट। सो इंडेक्स से हमको क्या मिलेगा कि एक 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 एक, अब जब हम यहाँ पे जो हमारा अरे है ना, यहाँ से हमको एक 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 वैल्यूज़ हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखेंगे कि आंसर क्या है। सॉरी, प्रिंट ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओके, यहाँ पे देख सकते कि मैंगो बनाना ग्रेप्स हमने जो यहाँ पे दिया था ना, वो सब कुछ है। तो देख सकते हैं मैंगो बनाना ग्रेप्स है विदाउट आईडी, हमने इंडेक्स यूज़ करके उसको निकाला है। ओके, तो इंडेक्स अभी क्या लेगा, ये मैंगो का 0 लेगा, बनाना का 1 लेगा, ग्रेप्स का 2 लेगा। ओके, और यहाँ पे इंडेक्स रहेगा, मतलब वही 0 1 2 की रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रूट्स मतलब ये फ्रूट आएगा, और फ्रूट लिस्ट मतलब पूरा लिस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होकर मैप में लूप होकर हमको फ्रूट लिस्ट मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट समझो आपको, अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमको कुछ भी एरर नहीं, कुछ भी नहीं है अभी। ओके, तो अभी समझो हमको इसका इंडेक्स देखना है। ओके, इंडेक्स तो है, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि इंडेक्स कहाँ पर है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमने लिया है ना H3 टैग, उसको हमको निकालना पड़ेगा अभी के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे होल H3 टैग, और यहाँ पे हम डालेंगे कंसोल डॉट लॉग इनटू ब्रैकेट, सॉरी नहीं ना आ गया यहाँ पे, इनटू ब्रैकेट इंडेक्स। ओके, तो मैंने इंडेक्स में जो इंडेक्स मिल रहा है ना, उसको मैंने कंसोल किया है, तो हमको एक एरर मिल रहा है, देखेंगे क्या है। ओके, इंडी हुआ क्या, इंडी वीट, तो यहाँ पे दिखा रहा है मुझे 22 लाइन पे कंसोल डॉट इंडेक्स। ओके, तो कंपाइल सक्सेसफुल हो गया हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा हमको इंडेक्स मिल गया। इसको रिफ्रेश करती हूँ मैं, और एक बार रन करती हूँ, रन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इंडेक्स 0 1 2 आ गया है इंडेक्स, राइट। तो हमको यहाँ पे इंडेक्स मिल गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको 0 1 2 ऐसा इंडेक्स मिल रहा है, राइट। मतलब हमने यहाँ पे जो इंडेक्स दिया है था ना, वो वर्क हुआ है प्रॉपरली। ओके, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स तो अभी मिला है हमें, पहले था उसी स्टेट में हम आएंगे फिर से। ओके, तो उसको मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल जर करके फ्रूट करके आए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आंसर फिर से हमको मिलेगा यहाँ पे मैंगो बनाना ग्रेप्स। ओके, फॉर एग्जांपल समझो मैंने यहाँ से दिस एक की निकाला, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ओके, तो हम समझो मैंने की निकाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम की निकालते हैं तब हमको एरर मिलेगा, आंसर तो आएगा, लेकिन यहाँ पे एरर मिलेगा कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप्स, राइट। तो हमको यूनिक की प्रॉप्स लेना है। ओके, तो ऐसे हम इंडेक्स यूज़ करके उसको यूनिक प्रॉप्स बना सकते हैं, और हम एरर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी एरर जाएगा, एरर नहीं आएगा। मैं इसको फिर से रन करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा एरर गया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे, मतलब एक लिस्ट लो के मैं और एक बार ओवर भी करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया है, दैट इज़ एक मैंगो बनाना ग्रेप्स करके। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्स लिया। इंडेक्स मतलब क्या,
कि हमारा यहाँ पे जो लिस्ट है ना उसका एक इंडेक्स रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया पहले ही कि ऑलरेडी कंसोल में कैसे आता है, तो वही इंडेक्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। वहाँ पे हम इंडेक्स ऑफ लेते हैं, इंडेक्स ऑफ लोग क्या करते हैं कि हमको स्पेसिफिक एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका स्पेसिफिक इंडेक्स देता है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इंडेक्स यूज़ करते हैं। और मैप फंक्शन क्या करता है, ये अलाउ करता है हमको कि अरे भी ले सकते हैं यहाँ पे और इंडेक्स भी ले सकते हैं हम, इसलिए हमने दोनों भी यहाँ पे लिया है। ओके, और यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स इज नथिंग बट वॉट कि हमारी 0 1 2 3 दैट इज डिफरेंट की, लाइक डिफरेंट की है, इसलिए हम क्या करेंगे डिफरेंट की हम फ्रूट को असाइन करें, मतलब यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट असाइन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आएगा हमारा, मतलब हमारा यहाँ पे मैप में लूप होगा और यहाँ पे हमको फ्रूट लिस्ट मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और मैंने अच्छे से बोला होगा कि हम इंडेक्स यूज करके कैसे मैपिंग कर सकते। ओके, तो कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, हम उसका आंसर करेंगे। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, एंड कीप सपोर्टिंग, और हमारी 5K टारगेट, जल्दी से हमको 5K फैमिली बनानी है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।